Hello. Hi. Hi. How you know I'm from India? हाँ ना। देखिए बोतल को पानी अंदर फेंकूंगा ना, देखो कितना डीप में जाती है। अरे बाप, गायब हो गई। भाई कजाकिस्तान के गांव कितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, इतनी खूबसूरत सी नदी बह रही है, ये सारे कुछ घर वगैरह बने हुए हैं। कजाकिस्तान है दुनिया की 9th लार्जेस्ट कंट्री। अरे बाप रे, कुत्ता है भाई, रुक जा, भाग मत भाग मत भाग मत। कजाकिस्तान में भाई घोड़े का गोश्त बहुत खाते हैं, लिटरली भाई आप लोगों को ऑलमोस्ट हर दुकान पे यहाँ पर घोड़े का मीट देखने मिलेगा। घोड़ा बर्फ नहीं हटाएंगे ना भाई तो गाड़ी पिसल के गिर जाएगी भाई, जैसे कि आप लोगों को ऊपर दिखाया मैं कितनी सारी गाड़ी का ना है भाई, यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। जैसे गुजर रहे थे यहाँ पर, देखिए भाई एक एक्सीडेंट हुआ है, नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत है। वेलकम टू कजाकिस्तान। अरे हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो, एक नए देश और एक नए सीरीज में। अभी तक आप लोगों ने देखा रहेगा हम चाइना को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया भाई चाइना की सीरीज को। और मुझे मालूम है आप लोगों के भाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भाई जापान दिखाइए, लेकिन यार अभी वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत सारे आए हैं और सुनामी की भी वार्निंग आई है ना। हम ज़रूर विजिट करेंगे इस ट्रिप के बाद, ज़रूर विजिट करेंगे। तो यार इस वक्त मैं हूँ कजाकिस्तान में और यार मेरा पहली बार है कजाकिस्तान में, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। और इस ट्रिप में मैं आप लोगों को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भाई जिसको नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, अभी तक वहाँ कोई ब्लॉगर नहीं गए, तो हम चलेंगे भाई तुर्कमेनिस्तान भी, फिर उसके बाद हम ईरान चलेंगे, हुआ तो भाई फिर से हम अफगानिस्तान जाएंगे, तो मज़ा आने वाली है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कजाकिस्तान अलमाटी शहर से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ के लोकल लोग से मिलने की कोशिश करेंगे, यहाँ के गाँव भी देखेंगे, यहाँ का भाई मार्केट भी घुमाऊंगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और मेरा ख्याल है यहाँ से मैं एक वीडियो या फिर दो वीडियो बनाऊंगा, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। और आप लोगों को बता दूं कजाकिस्तान में आप लोगों को इंडियंस इतने सारे देखने मिलेंगे, लिटरली भाई मेरा जो हॉस्टल है वो पूरा भरा हुआ इंडियंस, इतने सारे इंडियंस आए हैं। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे साथ में यामिन भाई। हेलो गाइस, तो यामिन भाई मैंगलोर से हैं और साथ में सफरीज भाई जो कि एकदम डेंजर वाला चश्मा लगाए हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉप होने वाला है यहाँ का जो सबसे खूबसूरत स्पॉट है जिसको बोलते हैं शंबुलक स्की रिसोर्ट है, वहां पर आप लोगों को बहुत सारे बर्फ और बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने मिलेगी, तो वहां चलेंगे। फिर उसके बाद वहां आसपास में कोई अगर गांव रहेगा अनएक्सप्लोर्ड खूबसूरत सा कजाक गांव, वो आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम मार्केट में चलेंगे, काफी मजा आने वाली। और यहीं सामने है बस स्टॉप और यहाँ से हमको बस लेना है बस नंबर 12 जो हमको डायरेक्टली लेके आएगी शंबुलक स्की रिसोर्ट है, वो यहाँ से तकरीबन कुछ 30-25 किलोमीटर है, तो बस से चलेंगे, देखते हैं भाई कजाक बस होती कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कजाकिस्तान की जर्नी, आई एम श्योर बहुत मजा आने वाली है। 12 नंबर बस आ गई, चलो। अरे यार भरी है, चलो इसके बाद वाली बस लेते हैं, ये तो पूरी भरी हुई है यहाँ पे। तो यार बस का इंतजार करते करते मैं आप लोगों को थोड़ा सा कजाकिस्तान के बारे में बता दूं। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की सबसे ज्यादा बड़ी कंट्री है भाई, ये 9th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। और इसके लैंड बॉर्डर के बारे में बात करें तो भाई इसका जो बॉर्डर है वो रशिया से सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि भाई रशिया सोवियत यूनियन से ही कट के बना है 1991 में, आज से तकरीबन 33-35 साल पहले रशिया से सोवियत यूनियन से कट के एक नई कंट्री बनी कजाकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया की, जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे ज्यादा बड़ी कंट्री है। और जिसका बॉर्डर रशिया से पड़ता है वो दुनिया का सबसे लंबा कंटिन्यूस लैंड बॉर्डर है। और भाई सुबह की कुछ ऐसी हलचल है अलमाटी शहर की, कजाकिस्तान की, देखिए भाई मतलब ज्यादा ट्रैफिक वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी, थोड़ी सी गाड़ी वगैरह है, ये देखिए काफी साफ सुथरी और काफी अच्छी सिटी लग रही है, तो मजा आएगी एक्सप्लोर करने। हम रुके हैं यहाँ पर हमारी बस के लिए, बस यहाँ आती होगी 12 नंबर बस लेके हमको जाना है शंबुलक। और अगर यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो भाई आप लोगों को सोवियत स्टाइल आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, जैसे कि आप लोगों को बताइए एक सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। और देखिए भाई यहाँ की सारी बस ऊपर केबल से कनेक्टेड रहती है, जैसे कि आप लोगों को मैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में दिखाया था, यहाँ की भी सारी बस जो रहती है ऊपर केबल से कनेक्टेड रहती है, इसलिए आप लोगों को पूरे शहर में सब केबल देखने मिलेगा। कह रहे देखिए ये पूरा है अलमाटी शहर का मैप और इस वक्त हम यहाँ पर है और हमको लास्ट स्टॉप पे जाना है, देखिए शंबुलक स्की रिसोर्ट जो कि शहर से काफी बाहर है। ए भाई आ गई, चलो 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 चलो, देखिए भाई 12 नंबर बस आ गई 15-20 मिनट रुकने के बाद। और उसकी टिकट वगैरह के बारे में आपको बताता हूँ भाई, भीड़ है काफी ज्यादा। ए रुक जा भाई, मेरे को अंदर तो आने दे। तो यार फाइनली आधे घंटे की बस की जर्नी के बाद हम पहुंच गए शंबुलक रिसोर्ट और भाई यहाँ का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है, लिटरली मैं कम्प्लीटली शॉक हो गया हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। फोटोज़ देखे थे लेकिन भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए भाई यहीं हमको हमारे बस वाले भैया ने उतारा और यहाँ से हमको केबल कार, देखिए यहाँ पर केबल कार चलती है, ये केबल कार लेके हमको जाना है वो पहाड़ों के एकदम पीछे, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये केबल कार जा रही है यहाँ से, ये पूरा ऐसा हो गया पहाड़ों के पीछे, ये देखिए भाई
वहां से फिर थोड़ा नीचे होके फिर वो पहाड़ के एकदम ऊपर जाएगी। और यार यहाँ का नजारा देखो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ आप लोगों को बर्फ देखने मिलेगी। और ये भाई थोड़ी मोटी बर्फ नहीं है, घुटने तक बर्फ है लिटरली भाई, यहाँ जाएंगे तो घुटने तक बर्फ है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारा जूता जो है ऐसा बर्फ में डालेंगे, अगर इसको बर्फ में डाल दिए ना भाई तो यार पूरा बर्फ मोजे के अंदर चले जाएगा और ठंडी लगने लग जाएगी। तो चलते हैं यहाँ से, हम केबल कार लेते हैं यार, बहुत मजा आने वाली है। और जो हमारी बस की टिकट थी वो आप लोगों को बताना भूल गया, वो सिर्फ 200 टेंगे की मिली, मतलब 40 रुपए की बस की टिकट मिली है जो कि काफी ठीक ठाक है, काफी सस्ती है। तो देखते हैं भाई यहाँ की टिकट कितने की होती है। मैं ऑनलाइन देखा था ये केबल कार की टिकट जो कि दिखा रही थी कि 5000 टेंगे जो कि तकरीबन 900 रुपए बनते हैं। तो ठीक है भाई, इतनी सीनिक जर्नी होने वाली है और यहाँ पर भाई इंडियंस बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। तो चलते हैं भाई, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। और यार जैसा कि आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बताया था, ये एक स्की रिसोर्ट है। तो यहाँ आप लोगों को देखिए भाई, स्की के साथ आप लोगों को बहुत सारे लोग देखने मिलेंगे, यहाँ पर स्की वगैरह करने आते हैं। और यार नज़ारा देखिए यार कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं आप लोगों को 2-3 बार बता चुका हूँ। और देखिए सारी कुछ पार्किंग वगैरह लगी हुई है, यहाँ के लोकल लोग और यहाँ से थोड़े दूर से जो लोग आते हैं वो यहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी करके जाते हैं। और यार अभी ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भाई धूप होने की वजह से इतने ज़्यादा कुछ ठंडी फील नहीं हो रही है। तो यहाँ से हमको टिकट लेके जाना है, तो चलते हैं भाई। यहाँ पर इंडियन देखे भाई कितने सारे देसी लोग, यहाँ पे अभी पिछले 2-3 दिन से बर्फ नहीं गिरी, फिर भी आप लोगों को यहाँ इतनी सारी सारी बर्फ देखने मिलेगी। देखिए भाई लिटरली थोड़ा साइड करना पड़ता है, ये देखिए। और ये देखिए इतना सारा है भाई, कड़क हो गई एकदम। यार आ गए हम यहाँ पर टिकट निकालने, और भाई यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है इसमें से चूज करने की, भाई कौन सा ऑप्शन लेना है, राउंड ट्रिप है, क्वाड ट्रिप है, एक सेक्शन है, दो सेक्शन है, कितने सारे सेक्शन है। तो देखते हैं भाई क्या प्रोग्राम होता है, अभी इनसे पूछते हैं। तो देखिए भाई सामने से हम टिकट निकाले और हमको अब जाना है यहाँ से हमारी केबल कार मिलेगी। टिकट के बारे में मैं आप लोगों को अंदर बताता हूँ कितने की मिली और क्या सारा प्रोसेस है। ये छोटी वाली केबल कार है जो हम चाइना में जिसमें बैठे थे, वो बड़ी थी, उसमें 26-27 लोग आते हैं, इसमें मेरा ख्याल है 6-7 लोग ही आते हैं। तो भाई यहाँ पे एक सिस्टम कैसा अच्छा है कि दो लोग बैठ के आ रहे, कोई तीन लोग बैठ के आ रहे, जितने लोग है बस उतने बैठ के जाओ। ये देखिए यहाँ पर है तो कैपेसिटी 8 लोग की, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई हम 3 ही आए और कोई भी नहीं आया तो अच्छा है भाई, पूरा प्राइवेट कैबिन बुक कर लिए। और इसकी टिकट मिली है हमको 4000 टेंगे की, जो कि तकरीबन बनते हैं 700-750 रुपए, कुछ इतना बनता है। स्पीड हो गई चलो भाई क्या बात है। तो यार देखिए हमारी स्टार्ट हो गई है केबल कार की जर्नी। और यार नज़ारे देखिए, ये सारे कुछ रिवर बह रही है यहाँ से, छोटी सी नदी है जो कि जमी नहीं है अभी, थोड़ा सा और ठंडी होगी तो जमना चालू होगी। स्पीड भाई बहुत कम है, जो चाइना में हम केबल कार में बैठे थे वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, इसकी स्पीड ज़्यादा कुछ नहीं है। और देखिए भाई भाई ये मिरर इतना गंदा रखे हैं, लोग साफ रहता तो पूरा दिखता। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ के नजारे देखिए कितना ज़्यादा मस्त हो गए, कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गए। और देखिए लाइन से यहाँ पर केबल कार लगी हुई है, आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत गांव देखने मिलेंगे। हम पहले ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जब उतरेंगे तो आप लोगों को यहाँ का मैं लोकल गांव दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े यहाँ के गांव की जिंदगी कैसी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आइस स्केटिंग कर रहे हैं लोग, देखिए भाई यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारी चीजें, जिप लाइनिंग वगैरह भी आप लोगों को करने मिलेगी। ये देखिए भाई यहाँ का एक गांव का कोई रोड से जा रहा है यहाँ पे, और रोड की कंडीशन देखिए भाई, रोड की कंडीशन इतनी खराब नहीं रहती, टूटा फूटा थोड़ा सा है लेकिन काफी सही लग रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया, पहले हम चलेंगे ऊपर, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ का गांव दिखाऊंगा जो कि भाई काफी अच्छा होने वाला है। और टेम्परेचर की बात करें तो भाई अभी -1-2 है, लेकिन ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही क्योंकि अभी धूप बहुत ज्यादा अच्छी निकली है। होप भाई ऊपर जाए तो शायद थोड़ा सा बर्फ वगैरह गिर जाए, लेकिन मुझे लग रहा नहीं है कि बर्फ गिरने वाली है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रिसोर्ट भी है, अगर आपको सिटी में नहीं रुकना है, यहाँ पर रुकना है तो आप यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी भी है, लेकिन रोड काफी ज्यादा डेंजर और काफी ज्यादा स्टीप है, लेकिन यार यहाँ पर रुकने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर भाई स्नोफॉल वगैरह, और यहाँ पर स्नो भाई हर टाइम देखने मिलती है। सैमसंग वाले ने यहाँ भी एडवर्टीजमेंट अपनी डाल के रखा है, क्या बात है, एकदम परफेक्ट जगह पर डाल के रखा है, ताकि भाई यहाँ पर जितने भी स्की वाले हैं, जितने भी यहाँ केबल कार से आए, सैमसंग बड़ा सा उनको दिख जाए। हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, तकरीबन भाई 15 से 20 मिनट लग गया, लेकिन भाई काफी अच्छा व्यू था। तो अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। हम यहाँ से हमारी केबल कार से आए हैं, और यहाँ आते साथ देखिए भाई, अगर आपको ट्रेडिशनल कपड़े में फोटो खिंचाना है और चील के साथ फोटो खिंचाना है, यहाँ पर आप खिंचा सकते हैं। देखिए ट्रेडिशनल कजाक लोग ऐसे कुछ दिखते हैं भाई, इतनी बड़ी चील मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए बाप रे बाप, ये बच्चे को देखो कितना प्यारा लग रहा है। विच नंबर? जैसे हम आए यहाँ पर, ये आ गए हैं कुछ तो भाई, यहाँ पर कुछ बेच रहे हैं कि कुछ तो प्रोग्राम है इसका। तो देखिए भाई मैं बोला भाई इससे निपटो, इससे ही बात करो, मुझे लग रहा है काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस होने वाला है भाई, जो चीज खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद बेच के आओ
हम लोग चलते हैं। यार लिटरली इन लोगों को देख के लग रहा है कि भाई ये लोग स्की कैसे करते रहेंगे। लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से ना भाई ये 500-600 मीटर और ऊपर पहाड़ से आते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। अगर जरा भी पिसले ना तो भाई डायरेक्ट नीचे फिसलते फिसलते हैं, क्योंकि जो ढलान है ना भाई वो काफी ज्यादा स्लोप में और नज़ारा काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर इतने ज्यादा भाई टूरिस्ट लोग देखने मिले, इतना ज्यादा भीड़ भड़का है और भाई सारी आप लोगों को टूरिस्ट शॉप वगैरह देखने मिलेगी। यार मुझे आप लोगों को मालूम होगा ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर करने मज़ा नहीं आती है, मुझे गांव और लोकल और ऐसी चीज़ ऑथेंटिक चीज़ जहाँ पर कल्चर देखने मिलता है वो मज़ा आती है देखने। तो आप थोड़ा सा 10-15 मिनट यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद हम कोई आसपास के गांव चलेंगे। देखिए लोग यहाँ पर नंबर लगा के खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये खड़े होंगे, यहाँ से देखिए मशीन इनको डायरेक्ट ऊपर लेके जाएगी, फिर ये नीचे स्कीइंग करते करते नीचे आएंगे। और ये जो सारा कुछ एरिया देख रहे हो बिगनर एरिया है, और जो प्रो है भाई जिनको अच्छे से स्कीइंग आती है वो देखिए भाई ऊपर है यहाँ सारे। तो अरे मच्छी मार्केट से निकलते हैं, ये देखिए भाई यार है तो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जैसे कि आप लोगों को मैं 3-4 बार बताऊं, लेकिन यार इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना मतलब यहाँ कुछ ऑथेंटिक आप लोगों को कजाक देखने नहीं मिलेगा, खूबसूरत सा नज़ारा देखने मिलेगा जो कि आप मनाली और कश्मीर में भी देख सकते हो। यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेशल और कुछ ऐसे कल्चरल चीज़ और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनकी ज़िंदगी वगैरह देखने नहीं मिलेगी। तो इसलिए भाई हम वापस नीचे उतरते हैं और चलते हैं कोई गाँव की तरफ। और देखिए भाई यहाँ से फिर हमको टिकट दिखा के नीचे उतरना है। यहाँ पर केबल कार है वो कंटिन्यू चलते रहती है, ये देखिए खाली खाली भी जा रही है, कुछ भर के जा रही है। टिकट दिखा दो भाई, देखिए भाई अंकल इसको स्कैन करो बाबा, टिकट चलो भाई आ जाओ। शंबुलक को भाई बम्बुलक बना दिए, इतनी ज़्यादा भीड़ कर दी है। तो चलते हैं भाई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 लोगों की है लेकिन हम 3 ही जाते हैं सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि भाई हम लोग थोड़ा सा सिस्टम है। सामने रिसोर्ट से हम निकलना चालू हुए और यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर भी हॉस्टल है। तो यार अगर आप लोग आओ सिटी में रुकने से अच्छा यहाँ हॉस्टल में रुक सकते हो, यहाँ से व्यू क्या मस्त दिखेगा भाई, आप लोगों को टिकट लेने की जरूरत ही नहीं। ऐसे नीचे उतर गए, अब यहाँ पे एक छोटा सा भाई कैफे जैसा था जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम यहाँ पर आ गए क्योंकि भाई बाहर पहली बात तो भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर भाई यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, यहाँ पर हीटर चालू है और यहाँ पे अगर बैठे बैठे कॉफ़ी वगैरह पियेंगे तो क्या ही ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू आएगा। तो हम कॉफ़ी नहीं, हम यहाँ से लिए हैं हॉट चॉकलेट और एक पोटैटो वेजेस लिए ताकि भाई थोड़ा सा पेट भी भर जाए और थोड़ा सा कॉफ़ी पी के थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाए। हाँ थोड़ा सा बैठते हैं हम, थोड़ा सा आराम करते हैं। हॉट चॉकलेट और पोटैटो वेजेस आ गए हैं। ये हॉट चॉकलेट मुझे मिली है इंडिया के तकरीबन 190 और ये भी तकरीबन 190 रुपए की मिली। और आप लोगों को मैं कजाकिस्तान की नोट दिखाता हूँ जो कि काफी ज्यादा कलरफुल और काफी ज्यादा अच्छी होती है, देखिए भाई बहुत ही खूबसूरत सी होती है और इस पे देख सकते हो कजाकिस्तान का फ्लैग भी बने रहते हैं। कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो इंडिया से काफी ज्यादा छोटी है, इंडिया का 1 रुपया कजाकिस्तान के 5.5 टेंगे बनते हैं। कजाकिस्तान की करेंसी का नाम टेंगे है, बहुत ही अजीब सा नाम है, लेकिन 1 इंडियन रुपए में 5.5 टेंगे बनते हैं। तो ये 2000 की नोट जो है ये इंडिया के तकरीबन आप समझ सकते हो 350-360 रुपये बनते हैं, ये 1000 की नोट ये 190 रुपये बनता है, तो यार काफ़ी अच्छा है। और ये हमारा हॉट चॉकलेट और ये खाते हैं और हम निकलते हैं भाई हमारे सफर पे। वेलकम टू कजाकिस्तान। अरे वेलकम टू कजाकिस्तान। निकलते हैं अब यहाँ से, चलते हैं कोई गांव की तरफ। और भाई आप लोगों को ना यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ब्रांडिंग देखने मिलेगी ना वो गोरिल्ला की देखने मिलेगी। देखिए गोरिल्ला जिप लाइन, गोरिल्ला जो ब्रांड है वो खबीब का ब्रांड है, जो यहाँ की एनर्जी ड्रिंक आती है वो भाई खबीब का आप लोगों को ना हर जगह देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी गोरिल्ला जिप लाइन, देखिए हम तो नीचे उतर गए यहाँ से। यहाँ से हम लेते हैं 12 नंबर बस और आधे रास्ते में कहीं उतरेंगे, कहीं खूबसूरत सा गाँव दिखा हमको, कुछ भी नहीं मालूम है भाई कौन सा गाँव जाना है, यहाँ आस पास गाँव है कि भी नहीं है, बस हम चलते हैं अच्छा कुछ गांव दिखा तो हम वहाँ उतर जाएंगे और देखेंगे भाई यहाँ के लोगों के घर वगैरह कैसे होते हैं, होप मिल जाए भाई गांव। तो हम लोग ये डिसाइड किए कि भाई बस लेने की जगह हम चलते हैं पैदल, देखते हैं भाई यहाँ कुछ आसपास में कोई गांव मिलेगा ही मिलेगा भाई, यहाँ पर जब लोग रहते हैं तो गाँव तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ के नज़ारे देखिए यार कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देखिए वहाँ पर सारी कुछ बिल्डिंग है जहाँ लोग रहते हैं लेकिन वो सारी कुछ ना भाई बिल्डिंग है, हमको जाना है भाई यहाँ के घर खेत वगैरह में, तो होप वहाँ मिल जाए। बर्फ देखिए कितनी ज़्यादा गिरी हुई है और ये सारी कुछ बर्फ देख रहे हो ना ये कुछ फ्रेश लग रही है, हो सकता है भाई कल यहाँ गिरी हुए और सिटी में नहीं गिरी लेकिन यहाँ हो सकता है गिरी हुए। बस नंबर 12 जिससे हम आए थे वो यहाँ से जा रही है, तो हम चलते हैं यहाँ से, स्लोप है ना भाई तो चलने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हम आराम से नीचे उतर सकते हैं। और अगर हुआ तो भाई अगर कुछ गांव वगैरह नहीं मिला तो हम वहाँ से बस लेके निकल भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम रास्ते से गुजर रहे थे, यहाँ पर देखिए एक एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर इतनी ज़मीन फिसलने वाली है कि भाई गाड़ी फिसल के एक्सीडेंट थोड़ा तो होएगा, अगर ऐसा बर्फ नहीं हटाएंगे ना तो गाड़ी फिसल के गिर जाएगी, जैसे कि आप लोगों को ऊपर दिखाया मैं
कितनी सारी गाड़ी का ना है भाई, यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, इसलिए भाई हरदम टाइम टू टाइम साफ करना पड़ता है। पर सही बता रहा हूँ, कजाकिस्तान मुझे ना भाई काफी ठीक ठाक कंट्री लगी, क्योंकि भाई ये पहले तो इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, आराम से खाली फ्लाइट लेके आ सकते हो, और मुंबई दिल्ली से भाई इतनी सस्ती फ्लाइट मिलती है ना कजाकिस्तान के लिए। यहाँ जब आओगे ना तो ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है आप लोगों को, हॉस्टल जैसे मेरा हॉस्टल है वो 600 रुपए एक दिन का है, और अगर आप लोगों को रूम चाहिए होटल वो भी 1000-1200 रुपए में अच्छा खासा मिल जाता है। तो यार कजाकिस्तान काफी अच्छा है भाई अभी विजिट करने के लिए, फ्लाइट मुंबई से भी डायरेक्ट चालू हो गई है, दिल्ली से भी डायरेक्ट चालू हो गई है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप पीछे नजारा देख सकते हो सारा, कितना अच्छा मौसम हुआ है। और ये देखिए भाई, हम नो मैंस लैंड में चले, कोई भी नहीं है भाई, सिर्फ यहाँ से गाड़ी जा रही है, पैदल चलने वाले तो मुश्किल से कोई दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए भाई इस तरफ नदी है, अरे भाई गाड़ी आ रही है, क्रॉस करने दो इसको। देखिए ए आराम से, देखिए भाई यहाँ से देखिए वहाँ पर नदी बह रही है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते, बीच में ये रास्ता है। अभी लग रहा है कि हमारी मेहनत थोड़ा सा भाई जो चल के आए हैं वो रंग लाई, क्योंकि मुझे एक गांव दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और देखिए यहाँ से नदी वगैरह भी दिख रही है जो कि कितना ज्यादा ही खूबसूरत व्यू मिल रहा है। नदी अभी जमी नहीं है, थोड़े कुछ टाइम में और ठंडी पड़ेगी तब ये जम जाएगी, और भाई कितना अच्छा लग रहा है यार बर्फ की वजह से देखिए। लेकिन भाई ये पानी पे हाथ नहीं लगा सकते, अगर हाथ लगा दिए तो भाई हाथ दम जम जाएगा। और देखिए ऊपर थोड़े से घर वगैरह हैं, तो चलते हैं देखते हैं भाई वहाँ कुछ लोग हैं कि भाई ये भी टूरिस्टी जगह है, ये भी कुछ कैफे रेस्टोरेंट है, चलिए चल के देखते हैं। ये इतना ज्यादा स्लिपरी है ना, पैर रख रहे तो पिसल से जा रहा है, बस वो इस तरफ, अगर इस तरफ जाओगे तो भाई एकदम ना नीचे चले जाएगा पैर, क्योंकि भाई ये घुटने तक पूरी बर्फ यहाँ पर जमी हुई है, और यहाँ पर चलोगे तो थोड़ा सा पिसलने वाला सीन है। लेकिन यार क्या सही लग रहा है, देखिए यहाँ पर हिरन और हिरन का बच्चा बना के रखे हैं, चलते हैं भाई। देखिए भाई कितना कितना डीप है, ये तो बहुत डीप है भाई। हाँ उधर तक जा सकते थे, तो डीप है। तो ये डिसीजन जो था ना पैदल चलने का वो बहुत ही ज्यादा सही था, क्योंकि यहाँ बहुत ही मतलब एक अलग एक्सपीरियंस देखने मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि वो सारी चीजें तो भाई टूरिस्टी चीजें तो सारे लोग देखते हैं, लेकिन हम जहाँ आए ना यहाँ पर ना एक लोग का नामो निशान नहीं है, बस हम तीन लोग हैं। ये देखिए यहाँ पर आराम से बैठने के लिए एक झोपड़ा सा बना हुआ है, यहाँ पर जिम भी है भाई, अगर बर्फ में आपको जिम वगैरह करना है तो जिम भी कर सकते हो। और देखिए सारा कुछ वहाँ बैठने के लिए, वहाँ भी कुछ जगह बना हुआ है, वो कुछ लोकल घर है, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अभी वर्कआउट करना छोड़ दिया, अगर वर्कआउट करता रहा तो यहाँ पर भाई आराम से डीप्स और पुलअप्स वगैरह मार सकते हो, सारे इक्विपमेंट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। हम नीचे जा पाते ना तो मजा आ जाती है यार, यहाँ पर अभी ये बर्फ है, अगर इस पे रख दिए पैर नीचे गिर गए और ठंडे पानी में चले गए तो भाई हालत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कुछ जुगाड़ ढूंढते अगर जाने का रास्ता हुआ, देखिए यहाँ पर ये बर्फ है, यहाँ से पैर रख रख के हम यहाँ भाई फिसल रहे, देखिए अब यहाँ से नीचे जाने का रास्ता तो मुझे लग रहा नहीं है कि होगा। अभी देखिए बोतल को पानी अंदर फेंकूंगा ना, देखो कितना डीप में जाती है। अरे बाप गायब हो गई। अबे गायब हो गई। इसको निकालेंगे कैसे भाई, अंदर घुस जाओ। पीछे बात दो आइस हो गए। अब आधा घंटा 40 मिनट वहां पड़ते, अब कोशिश करते हैं ना कि भाई वो जो ऊपर सारे घर है ना वहां जाने के लिए, और वहां जाने का रास्ता देख सकते हो भाई, यहाँ से ऐसा घूम के ऊपर जाना है, हम यहाँ से आए थे और हमको ऐसा गोल घूम के ऊपर जाना है गांव की तरफ, तो चलते हैं भाई देखते हैं कोई। अबे रुको भाई, बहुत जोर से लगी है, वीडियो आया है, बहुत जोर से लगी है, पूरा हाथ देख सकते हो इधर से लेके इधर तक पूरा छिल गया है, और इधर मोजा में अभी दिख रहा नहीं है, यहाँ पर भी लगी है, ये भी दुख रहा है और कमर भी दुख रही है भाई, जो जमीन है ना काफी ज्यादा कड़क है, डायरेक्ट गिरा ना तो झटका पड़ गया, लेकिन ठीक है अब देख सकते हैं हम पूरा सा स्लोप चढ़ के ऊपर आए हैं, अब यहाँ से हमको जाना। देखिए यहाँ पर सारे लोकल घर आने लग गए, देखिए ये देखिए मुझे लग रहा है ना ये बाहर जो टॉयलेट होती है ना, ये बाहर टॉयलेट है और ये कुछ उनका गार्डन एरिया है, लेकिन यहाँ पर भाई अभी कुछ दिख रहा नहीं क्योंकि बर्फ इतनी सारी हो गई है। मेरा ख्याल है सेब का पेड़ होगा, हाँ शायद सेब का होगा, तो चलते हैं भाई देखते हैं कोई घर में, देखते हैं यहाँ के घर होते कैसे हैं और ठंडी में सारा इंतजाम क्या करते हैं और कैसा सारा सीन होता है। शायद ही भाई यहाँ पर कोई व्लॉगर या फिर कोई फॉरेनर आया होगा, क्योंकि सारे लोग वहीं जाते हैं, चलते हैं, कोई है भी नहीं गाँव में। तो देखिए भाई इस गाँव में मेरा ख्याल है एक घर ये है, और उसके बाद बहुत दूर दूर पे यहाँ पर घर बने हुए हैं, क्योंकि भाई इनके पास इतनी सारी जमीन है, और भाई कजाकिस्तान है ही दुनिया की 9th लार्जेस्ट कंट्री। अरे बाप रे कुत्ता है भाई, रुक जा, भाग मत 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 सॉरी गाइस भाई कुत्ते से मेरी थोड़ी सी फटती है भाई, और कुत्ता एंट्रेंस पे बैठा के रखे हैं। अब यार ये यहाँ से भी भौंक रहा है, अरे दोस्त है फ्रेंड, दुरुक दुरुक ब्रदर, दुरुक दुरुक डोन बार्क, जान दे भाई। तो यार मुझे लग रहा नहीं कि आज हम गांव दिखा पाएंगे कजाकिस्तान का, क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा कुत्ता, भाई गांव में ना सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुत्ता ही रखते हैं भाई, और यहाँ पर वॉचमैन थोड़ी ना रखेंगे,
तो इसलिए देखा आप लोगों ने यहाँ पर कुत्ता रखा हुआ है। और मेन चीज भाई अभी बज रहे हैं तकरीबन 4:30, यहाँ रुक गए, अंधेरा हो गया तो फिर भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए भाई थोड़ा निकलते हैं और चलते हैं यहाँ का जो सबसे बड़ा बाजार है, अलमाटी का सबसे बड़ा बाजार जिसका नाम है ग्रीन बाजार। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग चीजें, बहुत सारी यूनिक यूनिक चीजें देखने मिलेगी। तो चलते हैं आप बाजार यहाँ से। ये देखिए भाई गाँव में पहली गाड़ी यहाँ पर देखने मिली है, तो हमको यहीं कहीं से बस मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ पर कहाँ बस स्टॉप है, वहाँ से बस लेते हैं और निकलते हैं सिटी में वापस। देखिए हम आ गए हैं वापस बस स्टॉप पे। ये जो देख रहे हो ये एक बस स्टॉप है जहाँ से हमको 12 नंबर बस मिल जाएगी। यहाँ पर 12 नंबर बस रुकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और बस स्टॉप देखिए कितना ज़्यादा ट्रेडिशनल स्टाइल में बना के रखे हैं, पूरा लकड़ी वगैरह लगा के। तो यहाँ थोड़ा सा आराम करते हैं। देखिए भाई कोई दारू पी के आधा छोड़ के गया, ये देखो भाई कोई दारू पी के आधा छोड़ के गया। पहली बार ऐसा कुछ ट्रेडिशनल बस स्टॉप देखा हूँ। तो यहाँ रुकते हैं, हमारी बस नंबर 12 लेते हैं और निकलते हैं ग्रीन बाजार की तरफ। ग्रीन बाजार जाती है ना 12 नंबर बस, 12 नंबर बस जो है भाई, अगर अलमाटी है और ना 12 नंबर बस मेरा ख्याल है अलमाटी टू रेलवे स्टेशन से लेकर संबुलक तक जाती है, तो बीच में बहुत सारे सारे मेन मेन स्पॉट पड़े ही जाते हैं, तो ग्रीन मार्केट भी आपको ये रास्ते में मिल जाएगी। वापिस आ गए हम अलमाटी शहर में, जहाँ हम गए थे आप लोगों ने देखा गांव वगैरह आप लोगों को दिखाया और अम्बुलक्स की रिसोर्ट आप लोगों को दिखाया। तो देख सकते हो बस हमको बस यहाँ पर उतारी है और ऐसा कुछ नज़ारा ही देखिए भैया अलमाटी शहर का। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही कलरफुल बिल्डिंग देखने मिलेगी। तो सोच रहा हूँ भाई मार्केट दिखाने से पहले थोड़ा सा भी उजाला है, सनसेट में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो आप लोगों को मैं यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल कैथेड्रियल है और आप लोगों को यहाँ पर ना बहुत सारी चर्च देखने मिलेगी। आप लोगों को मालूम होगा कजाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 70% है और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी। तकरीबन 17-18% लोग यहाँ पर क्रिश्चियन है, तो यहाँ पर चर्चेस भी आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत देखने मिलेगी। वो रेसिंग चल रही है भाई और गाड़ी वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी देखने मिलेगी। पुरानी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम है, ये देखिए ऐसी नई नई गाड़ी देखने मिलेगी, क्या बात है यार। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्रांड चलते हैं जो इंडिया में नहीं देखने मिलेंगे। चलिए भाई हमारा सिग्नल खुल गया है, क्रॉस करते हैं भाई सिग्नल। बहुत सारी मॉडर्न बिल्डिंग के साथ आप लोगों को यहाँ पर सोवियत स्टाइल आर्किटेक्चर भी देखने मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मैं शायद बताया रहूंगा कि भाई ये कजाकिस्तान ये एक सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए ऐसे सोवियत स्टाइल आर्किटेक्चर है। देखिए नीचे नीचे सारी जो बिल्डिंगें होती है ना, वो बिल्डिंग बहुत सारी नीचे नीचे बनी रहती है, क्योंकि भाई वो टाइम पर बहुत ज़्यादा जंग वगैरह वॉर होती थी, बम वगैरह गिराते थे, तो ये लोग ना बेसमेंट में बहुत ज़्यादा घर बनाते थे ताकि भाई कुछ बमबारी हुए तो सेफ रह सके। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। और ये देखिए भाई ये जो देख रहे हो ना कास्पी बैंक, ये कजाकिस्तान की सबसे बड़ी बैंक है। तो यार आप लोगों को पेड़ के पीछे देख सकते हो ये कलरफुल चर्च आप लोगों को देखने मिलेगी। तो चलिए आगे से हम आप लोगों को दिखाता हूँ और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक चर्च है और बहुत सारी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। चलिए पहले क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं, मस्त सा पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर देखिए। तो हम पहुँच गए यहाँ के कैथेड्रियल में और इस कैथेड्रियल का नाम है जेनोवा कैथेड्रियल, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च है। और यार ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक है, इसको ये कंप्लीट हुआ है बनके 1907 में, तकरीबन आज से 110-120 साल पहले। और ये स्पेशल इसलिए भाई क्योंकि ये दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट वुडन चर्च है, पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और इसकी और स्पेशल बात ये है कि भाई इसमें एक भी खिला यूज़ नहीं किया, एक भी नेल यूज़ नहीं किया भाई, बिना खिला के भाई इतना लकड़ी का इतना बड़ा चर्च बना के रखे, तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। आप लोगों को ऐसा देख के लगेगा कि नहीं कि इतना बड़ा है ये। और इसकी हाइट के बारे में बात करें तो 56 मीटर हाइट में और फीट में तकरीबन 160-170 फीट समझ सकते हो। और यहाँ का नज़ारा देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और एक छोटा सा ये पता नहीं कुछ यहाँ भी बना हुआ है, शायद ये चर्च का हिस्सा है। और भाई अंदर से तो बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा, देखते हैं अगर अंदर जाने मिला तो अंदर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि नज़दीक से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जैसे कि आप लोगों को बताया भाई ऑर्थोडॉक्स चर्च होते ही बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो ट्राई करते हैं भाई अंदर जाने मिलेगा कि नहीं। तो हम थोड़ा सा चर्च देख के निकले हैं भाई, अंदर से काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, एकदम गोल्डन गोल्डन से सारी चीज़ें लगी हुई है। मैं अंदर ज़्यादा कुछ वीडियो मतलब थोड़ा सा वीडियो बनाया हूँ जो आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा कुछ बोलना अलाउड नहीं था क्योंकि भाई बहुत ही साइलेंस था और लाइट वगैरह एकदम बंद सी थी। और यहाँ पे देखिए छोटी सी मार्केट लगी हुई है, ये मार्केट छोड़ के हम चलते हैं यहाँ के सबसे मेन मार्केट ग्रीन बाजार। कि हम जा रहे थे मार्केट में लेकिन ये कैथेड्रल के बिल्कुल अपोजिट साइड, यहाँ पर देखिए एक आइस स्केटिंग के लिए ये बना के रखे हैं और यहाँ पर सारे बच्चे आइस स्केटिंग कर रहे हैं। देखिए ये मेरा ख्याल है यहाँ बच्चे सीखते हैं और वहां पर जाके करते हैं। देखिए हेलो कोनिचीवा सायोनारा और फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ के ग्रीन बाजार में, जो कि अलमाटी का सबसे बड़ा बाजार है। और देखिए भाई यहाँ लिखा हुआ है कॉक बाजार, कॉक मतलब होता है भाई ग्रीन,
कजाक लैंग्वेज में। और देखिए भाई यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी। तो चलिए देखते हैं सारी चीज़ों के प्राइस क्या होते हैं। भाई इंडिया से महंगा है, सस्ता है, और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ें भी देखने मिलेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ देखिए भाई यहाँ पर ना सोल वगैरह ना ऐसा रखना पड़ता है क्योंकि भाई ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये एक ही सोल है इतना मोटा जो देख रहे हो ना भाई, ताकि भाई एकदम ठंडी से प्रोटेक्ट कर सके। अंदर जाने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। ये भाई जो बाजार है ये 150 साल पुराना है। 1875 में भाई ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 12 साल बाद भाई बहुत ही खतरनाक अलमाटी में अर्थक्वेक आया था, तो वो टाइम पे टूट गया था। फिर उसके कुछ साल बाद फिर से कंस्ट्रक्ट किए। तो चलिए मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो यार हम एंटर हो गए इस मार्केट में, और यार इस मार्केट के ना बहुत सारे सेक्शन है। मुझे लग रहा है ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आप लोगों को कपड़े और अंदर गारमेंट्स वगैरह देखने मिलेंगे। देखिए ग्लोव्स मिल रहा है यहाँ पर, टोपी वगैरह मिल रही है ठंडी की। तो ये स्टार्टिंग के सेक्शन में ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर भाई स्पाइसेस मिलते हैं, यहाँ पर मीट वगैरह मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे सुवीनियर भी मिलते हैं। देखिए यहाँ पर टोपी वगैरह मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हिंदी इसके दादा। भाई ये सारे जो जूते देख रहे हो यहाँ पर लेदर के, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा बोल रहे हैं। बोलते हैं भाई यहाँ की स्टार्टिंग ही तकरीबन 20,000 टेंगे से, जो कि तकरीबन बनते हैं 3,500-4,000 रुपया होता है। तो भाई 3,500-4,000 रुपये से स्टार्टिंग है, और उसके ऊपर ही रहेगा भाई महंगा महंगा। तो शायद टूरिस्ट हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रेट लगा रहे हैं, तो भाई लेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइप के जूते हैं, और ये तो भाई -20 -25 में चलने वाला जूता है। ये सब जो जूता कपड़े की मार्केट है, यहाँ पर तो रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा लगा रहे हैं। हेलो हाय, हाउ यू नो आई एम फ्रॉम इंडिया? आई एम फ्रॉम इंडिया। मायरा अनस, योर नेम, आर यू स्पीक इंग्लिश? माय नेम इज अनस, मोहम्मद अनस, मुस्लिम। ओके बाय बाय, थैंक यू, नाइस वीडियो। देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बस दुकान बंद करने का टाइम है। अगर भाई जल्दी आते तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा सकता था। और भाई हम आ गए यहाँ की मीट मार्केट में। थोड़ी सी स्मेल अजीब सी आ रही है, लेकिन भाई आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ कजाकिस्तान की मीट मार्केट में ये देखने मिलेगी कि कजाकिस्तान में भाई घोड़े का गोश्त बहुत खाते हैं। लिटरली भाई आप लोगों को ऑलमोस्ट हर दुकान पर यहाँ पर घोड़े का मीट देखने मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। अगर भाई कोई ये सारी चीज़ देखता नहीं है तो थोड़ा सा आगे स्किप कर दे। यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बने हुए, देखिए यहाँ पर आपको शीप का गोश्त देखने मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को बकरे का गोश्त देखने मिलेगा, जो एंड पे है आप लोगों को शायद यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं जूम करता हूँ, वहाँ पर है घोड़े का गोश्त। तो चलिए देखते हैं भाई, थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस होएगा। जो ये सारी चीज़ नहीं देखते तो भाई थोड़ा सा आगे स्किप कर लेना। और देखिए इस दुकान पे घोड़े का गोश्त मिल रहा है, घोड़े का मीट मिल रहा है। जो सारा नीचे मीट देख रहे हो ये घोड़े का मीट है। जिंदगी में पहली बार मैं घोड़े का मीट देख रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अलग सा एक्सपीरियंस है। और भाई यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाऊंगा, यहाँ अजीब सी स्मेल आ रही है, और एक ये अलग एक्सपीरियंस था भाई। दुनिया में शायद ही कोई दूसरी कंट्री होगी ना, शायद कजाकिस्तान मंगोलिया की एक से दो कंट्री होगी, 2 से 3 कंट्री होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर आप लोगों को घोड़े का मीट और ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी। तो बस एक एक्सपीरियंस के लिए आया था कि देखते हैं भाई कैसी सारी चीज़ें होती है। तो भाई यहाँ स्मेल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी आ रही है, तो ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाऊंगा, 2 से 3 मिनट थोड़ा सा देखते हैं फिर निकलते हैं। और यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी घोड़ा बना हुआ है। देखिए मतलब ये सारा जो नीचे मीट देख रहे हो कुछ घोड़े का मीट है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को ना, जो ऐसे सेक्शन देख रहे हो ना, ऐसे 10 से 12 सेक्शन रहेंगे, उसमें से भाई आधे से ज़्यादा सेक्शन में सिर्फ घोड़े का मीट मिल रहा है। तो यार इनकी फेवरेट डिश है ये। तो मीट का सेक्शन है, इसके बिल्कुल इस तरफ ये फ्रूट का सेक्शन है। मतलब भाई वहाँ से मीट लो, यहाँ से फ्रूट लो, और यहाँ पर भाई फ्रूट की काफ़ी ज़्यादा वेरायटी आप लोगों को देखने मिलेगी। ये देखिए भाई इतने बड़े बड़े नींबू आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगे, यहाँ पर अवोकाडो, देखिए अवोकाडो रखा हुआ है, इतने बड़े बड़े आम, कलिंगर, मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों को सारे फ्रूट यहाँ पर देखने मिलेंगे। देखिए अनार कितने बड़े बड़े हैं, क्या बात है। अरे मीट और फ्रूट वाले सेक्शन से निकल के हम चलते कोई दूसरे सेक्शन में, सुवीनियर वाला सेक्शन मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लेना है भाई फ्रिज मैग्नेट कजाकिस्तान का। आप लोगों को मालूम होगा हर वीडियो में भाई हर कंट्री से मैं फ्रिज मैग्नेट लेता हूँ, जहाँ से देखते भाई फ्रिज मैग्नेट मिलता है कि नहीं। यहाँ पर भी शर्ट वगैरह मिल रही है, कुछ नई टाइप की मार्केट लग रही है, क्या बात है। तो यार सुवीनियर लेना था तो हम एक दुकान पे आए हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आप लोगों को फ्रिज मैग्नेट देखने मिलेंगे। देखिए बहुत ही अलग अलग टाइप के, ये सारे कुछ मेटल के हैं, ये कुछ लकड़ी का बना हुआ है। तो यार ये मुझे 2 पसंद आए हैं, और ये एक दे रहे हैं भाई तकरीबन इंडिया के समझ सकते हो 90-100 रुपये का। तो मैं सोच रहा हूँ 2 ले लूँ 200 रुपये का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का सा है लेकिन ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको फ्रिज मैग्नेट देखने मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें भी देखने मिलेंगी। देखिए कजाक जूता भी है, कजाक देखिए भाई कजाक जूता भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा, यहाँ का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बच्चे लोगों का कपड़ा, और अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगी। देखिए वहाँ पर वो जो हॉर्समैन टोपी पहनते हैं, वो सारी चीज़ें भी मिलने मिलेगी।
तो यार मुझे तो वो सारी चीजें नहीं लेना है, मुझे सिर्फ फ्रिज मैग्नेट लेना है, ये लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यार देखते देखते कब एक डेढ़ घंटा चलेगा भाई, मालूम ही नहीं पड़ा। और बाहर देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया, और मैं ज्यादा आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया, काफी कुछ सिमिलर चीजें देखने मिली थी, कपड़ा वगैरह जो थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा अलग लगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा दिया। देखिए भाई मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो ही गई है पूरी, कुछ दुकानें यहाँ पर खुली हुई है और भाई बाहर लगभग पूरा अंधेरा हो गया। मार्केट के बारे में बात करें तो भाई टूरिस्ट को देख के थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेते हैं, अगर लोकल रहे तो भाई उनके लिए तो काफी सस्ती मार्केट है। और देखिए भाई शाम का कुछ ऐसा नजारा है यहाँ पे। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।